Dear students of class 12, good morning, assalamu alaikum. Stay home, stay safe, keep moving towards the destination. Today is 30th June 2020 and the day is Saturday. Let's start our diary. First subject we have English, page number 6, homework. The work you have given on page 6 are articles, use of A, and. यूज ऑफ ए और एंड आपने यहाँ पे या तो ए लिखना है या एंड. सबसे पहले हम काम शुरू करने से पहले आपको वॉवल लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए. वॉवल लेटर्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. आप इसको यूं याद कर सकते हैं, जैसे आपका हैंड है उसकी 5 फिंगर्स हैं, उनमें से एक फिंगर भी आपकी कम नहीं होनी चाहिए, कोई भी लेटर आपका कम नहीं होगा. वॉवल लेटर्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. आप जो लेटर आपका फर्स्ट लेटर स्टार्ट होगा वॉवल से उस पर आप लिखेंगे आर्टिकल ए एन एन, और जो किसके अलावा स्टार्ट होगा कंसोनेंट लेटर से वहां आप लिखेंगे आर्टिकल ए. फर्स्ट वर्ड वी हैव आई आर ओ एन, आयरन. फर्स्ट लेटर आई. आई कौन सा लेटर है? वॉवल लेटर. आप लिखेंगे आर्टिकल ए एन एन, ए एन एन. नेक्स्ट है बी डबल ओ के, बुक. फर्स्ट लेटर बी. वॉवल लेटर में है ये? नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए. आप इसे ध्यान दे रहे हैं कि वॉवल लेटर में जो होगा उसके साथ हम लिखेंगे ए एन एन, और जो इन वॉवल लेटर में नहीं होगा उसके हम साथ लिखेंगे ए. नेक्स्ट है आर आई एन जी, रेन. फर्स्ट लेटर आर. अब ये वॉवल लेटर दिए गए हैं, इनमें आर है? नहीं है, इसे हम लिखेंगे ए. नेक्स्ट ओ एस टी आर आई सी एच, ऑस्ट्रिच. फर्स्ट लेटर ओ. ओ आपको दिया गया है वॉवल से, इसलिए लिखेंगे हम ए एन. नेक्स्ट है एन ओ एस ई, नोज. फर्स्ट लेटर एन. एन इनमें चेक करें आप एन है, नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका आ जाएगा ए. नेक्स्ट ई ए आर, ईयर. फर्स्ट लेटर वही है ई. ई वॉवल्स में है इसलिए आएगा ए एन एन एन, ईयर. नेक्स्ट ए एन टी आर. फर्स्ट लेटर वी हैव ए. ए वॉवल्स में है इसलिए आ जाएगा ए एन एन एन, आंट. नेक्स्ट आर ए डबल बी आई टी, रैबिट. फर्स्ट लेटर आर. आर है? नहीं दिया हुआ, इसे हम लिखेंगे ए. आर रैबिट. नेक्स्ट यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला. फर्स्ट लेटर वी हैव यू. यू बॉस ने दिया हुआ, आपका आ जाएगा यहाँ पे ए एन एन एन, अम्ब्रेला. नेक्स्ट ए डबल पी एल ई, एप्पल. लेटर वी हैव ए. ए वॉवल्स में दिया है इसलिए आपका आ जाएगा ए एन एन. आपने इसी तरह वॉवल लेटर लिख के तमाम काम बिल्कुल इसी तरह लिखना है. आवर इंग्लिश डायरी इज कंप्लीटेड हियर. नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव उर्दू. एन एन का बोस पढ़ाई. आइए एन नून के अफना एन. आइए एन नून के अफना एन. आइन दाल दाल दर अदद. आइन दाल दाल दर अदद. आइन रे अर बेसाकिन अर्ब. आइन रे अर बेसाकिन अर्ब. गाइन बेल बा रहेरा गुबारा.
غاين ب لبا رهرا غبارا غاين الف غا ر ساكن غار غاين الف غا ر ساكن غار غاين و غو س ساكن غوس Next subject we have maths, page number 47 plus 48, homework on book. Page number 47. Make the shapes. Join the name to the correct shape. आपको शेप दी गई है, आपने इनके साथ मिलाना है. Square. सबसे पहले square है. ये आपने square के साथ match किया. Next जो भी shape है square के उसके साथ match करेंगे. Square. अगेन स्क्वेयर, फिर आपकी शेप स्क्वेयर. नेक्स्ट शेप सर्कल, अब आपने सर्कल को सर्कल से मैच करना है. सर्कल, अगेन सर्कल, फिर आपका आ जाएगा साथ सर्कल. इस तरह ट्राइंगल रेक्टेंगल की शेप दी गई है, इसी तरह आपने उनको मैच करना है. नेक्स्ट पोर्शन, ड्रॉ द शेप दैट कम नेक्स्ट. आपको एक शेप्स का पैटर्न दिया गया है, आपने उसी पैटर्न के मुताबिक शेप ड्रा करनी है. फर्स्ट है स्क्वेयर, ट्रायंगल, सर्कल, अगेन स्क्वेयर, आप फिर लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल की शेप बनाएंगे, सर्कल. नेक्स्ट पैटर्न है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल. रेक्टेंगल बना हुआ है, आप फिर बनाएंगे ट्रायंगल, सर्कल. थर्ड पैटर्न है आपका सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल. अब ट्रायंगल बना हुआ है, आप क्या बनाएंगे, सर्कल, ट्रायंगल. लास्ट पैटर्न सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल. अब क्या आएगा आपका, सर्कल, सर्कल. आपने सर्कल की शेप ड्रॉ कर देनी है. पेज नंबर 48. फर्स्ट पोर्शन, कलर द शेप्स. कलर द शेप यूजिंग द गिवन कलर. आपको शेप दिए गए हैं, इनके कलर्स भी दिए गए हैं. अब फर्स्ट शेप है सर्कल, कलर कौन सा है, रेड. आपके इस पेज पे जहाँ जहाँ सर्कल बने हुए हैं आपने उनमें रेड कलर करना है. सर्कल, सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कल दिया गया है, सर्कल, सर्कल, सर्कल. आपने इनके अंदर रेड कलर करना है. नेक्स्ट शेप है स्क्वेयर, स्क्वेयर में कौन सा कलर है, येलो. अब जहाँ जहाँ स्क्वेयर की शेप है आपने उनमें येलो कलर करना है. स्क्वेयर, 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 इनमें आप कलर करेंगे येलो. नेक्स्ट शेप है ट्रायंगल, ट्रायंगल में कलर दिया गया है ब्लू. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ग्रीन. आपने इसी तरह शेप ढूंढ के ट्रायंगल में ब्लू और रेक्टेंगल में पैरेट ग्रीन कलर करते हुए पेज नंबर 48 को कंप्लीट कर लें. नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव रेन्स, मिस्टर कोबलर, फुल लर. आपने मिस्टर कोबलर के फुल याद कर लिए. नेक्स्ट सब्जेक्ट नोट्स, कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 2, लर. कंप्यूटर पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है. आंसर इज सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है. सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. आंसर, सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. लास्ट सब्जेक्ट वी हैव पिक्चर डिक्शनरी, पेज नंबर 20, थर्ड प्लस फोर्थ लाइंस रीडिंग. पेज नंबर 20, थर्ड लाइन, फर्स्ट वर्ड, W A S H I N G, वॉशिंग. M A C H I N E, मशीन. वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन. C U R T A I N S, curtains. curtains means पर्दे. curtains mean पर्दे. W I N D O W, विंडो. विंडो में खिड़की. विंडो में खिड़की. डी डबल ओ आर, डोर. एच एन डी एल ई, हैंडल. डोर हैंडल, डोर हैंडल मीन दरवाजे का दस्ता. डोर हैंडल मीन दरवाजे का दस्ता.
H-A-N-G-E-R, hanger. Hanger mean hanger. Hanger mean hanger. T-R-U-N-K, trunk. Trunk mean sandook. Trunk mean sandook. Our today's IELTS is completed here. Parents should supervise their children to do all the work with sharp pencil, keeping in mind the writing pattern.